नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू कविता दस रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट लावा केक रेसिपी। केक सबको पसंद आता है, चॉकलेट भी सबको पसंद आता है, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन में जो केक बनाएंगे ना, चॉकलेट लावा केक, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। और इतनी यमी रेसिपी है कि बच्चों से लेकर बड़ों को सबको पसंद आएगा। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार रेसिपी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैं ले लिया हूँ ट्रैक कंपाउंडर चॉकलेट 50 ग्राम। अगर आपको पास नहीं है तो आप जो डेरी मिल्क चॉकलेट आता है उसमें भी बना सकते हैं, या फिर कैडबरी चॉकलेट से बना सकते हैं। और उसमें 2 चम्मच मैं दूध ले लिया हूँ, और नीचे से गर्म पानी रख दूँगी और उसको मेल्ट करवा दूँगी चॉकलेट को। अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन में भी चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। आप उसमें मलाई भी डाल सकते हैं, मलाई डाल के भी उसको मेल्ट कर सकते हैं। और 1 चम्मच में कोको पाउडर ले लिया हूँ और उसको अच्छे से मिला लिया हूँ। और उसके बाद उसको साइड में रख दूँगी ठंडा करने के लिए, और उसके ठंडा करने के बाद फ्रिज में रख दूँगी थोड़ा गाढ़ा बनाने के लिए, थिक बनाने के लिए। तो 3 चम्मच तेल ले लिया हूँ, 2 चम्मच दही ले लिया हूँ, और मैं इधर ना 4 चम्मच ले लिया हूँ क्या शक्कर पाउडर, और उसको अच्छे से मेल्ट कर दूँगी, या क्रीमी जैसा, पूरा बैटर को क्रीमी जैसा बना लूँगी। और ये देखिए अच्छे से मिला लिया हूँ और क्रीमी हो गया है। तो अभी हम लोग उसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स सब सारे डालेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने से पहले मैं जो केक का मोल है उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा सा बटर पेपर डाल के उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल के ग्रीस कर लेंगे। और ग्रीस करने के बाद उसको साइड में रख देंगे। और उसके बाद ना जो बैटर हम लोग बनाए थे तेल का और दही का शक्कर का, उसके ऊपर मैं छन्नी रख दिया हूँ, और उसमें 1/2 कप मैदा और 2 चम्मच कोको पाउडर डाल दिया हूँ। अब अगर आपको चॉकलेट ज़्यादा खाना है तो 1 चम्मच और भी ऐड कर सकते हैं। और उसको ना अच्छे से छान लिया हूँ, और देखिए कितना गुठलिया है, तो गुठलिया को भी सारे निकाल देंगे, मतलब छान लेंगे। और बस हो गई हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स। और उसके बाद एक छोटा चम्मच ले लिया हूँ बेकिंग पाउडर, और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, और उसको थोड़ा मिलाएंगे पहले, फिर बाद में मैं 1/2 कप ले लिया हूँ दूध, और उसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और बैटर अच्छे से क्रीमी कंडीशन आने तक उसको मिलाएंगे। और ये देखिए मैं मिला लिया हूँ, और इतनी अच्छी क्रीमी से बन गया है हमारा बैटर। और दूध जो 1/2 कप लिया था ना, उसमें थोड़ा सा भी बचा गया, बचा है 2 चम्मच तक बचा है। और हमारा देख लेते हैं चॉकलेट का कंडीशन कैसा है। अभी थोड़ा ठीक हो गया है, लेकिन उसको और भी ठीक थोड़ा चाहिए, लेकिन मेरे को जल्दी था चॉकलेट लावा केक खाने के लिए, तो मैंने सोचा कि जो भी है उसी में काम को चला लेते हैं। लेकिन आप ना थोड़ा उसको और भी ठीक करना। और इसके बाद मैं थोड़ा सा बैटर डाल दिया हूँ, और उसके बाद चॉकलेट जो मेल्ट किया था ना उसको डाल दूंगी। और ये देखिए, और ऊपर से बैटर डाल दूंगी। बैटर को ऐसे डाल दीजिए, कोई मतलब आगे पीछे मत कीजिए, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। और इसके बाद दोनों मोल को मैंने ऐसे 1/2 बैटर और 1/2 चॉकलेट, मैंने उसके बाद चॉकलेट डाल के फिर बैटर डाल दिया हूँ। और मैं इधर ना कढ़ाई को फ्री मतलब गरम कर लिया हूँ स्टैंड रख के, और स्टैंड के ऊपर अभी जो हमारा दो बैटर बनाया है मतलब केक मोल, उसको ध्यान से रखिएगा, कढ़ाई बहुत गर्म है। और उसको अभी ढक्कन लगा के 30 से 35 मिनट तक पकाएंगे, लेकिन 20 मिनट के बाद आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बना है कि नहीं बना है ये तो देखना पड़ेगा ना।
देखिए अभी चेक कर लेंगे, एक टूथपेस्ट पके मतलब डाल के साइड से डालेंगे, क्योंकि बीच में चॉकलेट डाले थे ना, तो साइड साइड से डाल के देखेंगे ये अच्छे से बनी है कि नहीं है। और टूथपेस्ट क्लीन आ रही है तो हमारा केक बन के रेडी हो गई है। और दूसरा भी एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। और ये देखिए पूरा क्लीन आया है, तो हमारा अभी केक तो हो गया है। उसको थोड़ा बाद में ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे, और ठंडा होने थोड़ा हल्का ठंडा करेंगे, और इसके बाद उसको थोड़ा सा नाइफ लगा के चारों ओर निकाल देंगे, लेकिन ऐसे भी निकल जाएगा वो, थोड़ा सा टैप करेंगे। और इसके बाद ये देखिए कितनी अच्छी से बनी है केक हमारा, और इसका बटर पेपर निकाल के मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी लावा, ये देखिए लावा निकल के आया है। आप ना एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मतलब इतनी अच्छी रेसिपी है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा, उनको टिफिन भी आप ऐसे छोटा छोटा बना के दे सकते हैं, और इतनी यम्मी वाली रेसिपी है कि पूछे मत। तो उसके ऊपर थोड़ा सा गार्निशिंग कर देंगे, थोड़ा सा शक्कर पाउडर ऐसे हल्का सा लगा लेंगे, और एक चेरी लगा मतलब डाल दिया हूँ, रख दिया हूँ उसके ऊपर, और बस हमारा फाइनल रिजल्ट बन के रेडी हो गई है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके वे लाइक उनको ज़रूर दबाना, आगे जो मैंने यहाँ वीडियो डालूंगी नोटिफिकेशन आपको पहले आ जाएगी। और जितनी इंग्रेडिएंट्स मैं लिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उधर से चेक कर लीजिएगा। और मैं तो बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं खा लेती हूँ, बाद में बच्चे लोग खाएंगे। तो आपको ये रेसिपी कैसे लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बनाते हैं बच्चे के लिए नया रेसिपी। बाय बाय।